महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। वर्णानाम् अर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विरायतो भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति चेद्दा शान्तस्तमीश्वरम् वक्रतुण्डमाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के सोरे आप सभी मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं अलग अलग चर्चा कर चुका हूँ। देखिए 9 तारीख का क्या हो रहा है, नवदुर्गे प्रारंभ हो रहे हैं, 8 तारीख का सूर्य ग्रहण हो रहा है। देखिए 9 तारीख का मैंने आपको बताऊं, 9 तारीख को तो जो नया संवत्सर शुरू हो ही रहा है, गज केसरी राजयोग बन रहा है। उसके अलावा देखिए 9 तारीख को देखिए जैसे बताया मेष राशि में बृहस्पति के साथ देखिए चंद्रमा तो आ ही जाए, लेकिन देखिए 9 तारीख में गुरु के साथ बुध और सूर्य, देखिए बुध अब ये सूर्य जो आएंगे वो कब आएंगे, देखिए मेष राशि में सूर्य आएंगे 13 अप्रैल, तो 9 तारीख के बाद। 9 तारीख को तो मैंने बताया चंद्रमा बृहस्पति के साथ आए, गज केसरी राजयोग बनाया। और देखिए 9 तारीख को बुध भी देखिए मीन राशि में चले गए, निकल के यहाँ से मेष में थे तो बुध चले गए, वैसे बुध यहाँ थे बृहस्पति के पास, और फिर वापस आ जाएंगे 10 मई को। लेकिन अभी जो है 9 तारीख में जो चेंजेस आए, चंद्रमा बृहस्पति साथ साथ और बुध चले गए देखिए मीन राशि में राहु के पास, यहाँ शुक्र भी हैं, और देखिए शुक्र जो है मीन राशि में 31 मार्च को आए थे और 25 अप्रैल तक यहीं रहेंगे, 25 अप्रैल को फिर बाद में यहाँ आ जाएंगे, तो 25 अप्रैल को फिर आ जाएंगे मेष राशि में शुक्र बृहस्पति के पास। बृहस्पति तो मेष में ही है अभी तो 30 तारीख तक। तो भाई अब ये जो बाकी ग्रहों की तो बात तो छोड़ो, जो भी चेंज हो रहा है मतलब, लेकिन मैं जो एक ख़ास बात देख रहा हूँ कि आप जब शुक्र आए 25 तारीख को कहाँ पर मेष राशि में, तो वहाँ बृहस्पति रहे, बृहस्पति 30 अप्रैल तक रहेंगे वहाँ पर, 1 मई को चले जाएंगे वृषभ राशि में। तो वृषभ राशि धन भाव कहलाता है, जहाँ की काल पुरुष की कुंडली के मालिक शुक्र हैं। तो देखिए शुक्र जो है 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक शुक्र बृहस्पति के साथ मेष राशि में रहेंगे। तो ये जो टाइम है दो दो गुरु मंगल के घर में, दो दो गुरु 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, देवगुरु दैत्य गुरु दोनों साथ अभी तो, बाद में फिर देखिए फिर बाद में जब बृहस्पति चले जाएंगे वृषभ राशि में जहाँ शुक्र की अपनी राशि है, तो शुक्र बाद में फिर 19 मई को वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन 19 मई तक तो शुक्र रहेंगे मेष राशि में। अब मेरा कहना यह है कि 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 6 दिन लगा लीजिए, शुक्र और बृहस्पति दोनों ही मंगल के घर में मेष राशि में बैठेंगे भाई, बड़ा गजब का संयोग है। 5-6 दिन के लिए दो गुरु मंगल के घर में मेष राशि में,
तो बहुत सी राशियों के लिए ये संयोग बड़ा अच्छा पड़ेगा कि शुक्र और बृहस्पति मेष राशि में 5 दिन 6 दिन वो जो राशियां हैं जो विशेष लाभ देंगी, यानी दो दो गुरु एक साथ बैठेंगे मंगल के घर में, तो भाई मंगल की राशियां देखिए, मंगल तो बहुत, मंगल अभी जो है अभी मंगल जो है देखिए कृपा नहीं कर पा रहे, क्यों मंगल जो है अभी अभी मंगल अभी तो राहु के पास है मंगल, देखिए 23 अप्रैल तक मंगल 23 अप्रैल को मंगल राहु के पास आएंगे, 23 अप्रैल से पहले 15 मार्च से 30 अप्रैल तक कुंभ राशि में रहे मंगल, 23 अप्रैल को मंगल पहुंचेंगे अभी मीन राशि में राहु के पास, वो बहुत खराब टाइम है, मतलब अंगारक दोष बनता है राहु का मंगल का, लेकिन मंगल 1 जून को आएंगे यहाँ पर बहुत आगे जाके, तब तक देखिए सब सॉरी बृहस्पति और सब वहाँ से जा चुके होंगे, पर मेरा कहने का मतलब ये है कि ये 5 दिन 6 दिन जब बृहस्पति और शुक्र दोनों ही कृपा कर रहे हैं मेष राशि में बैठ कर के अंधाधुंध धन के बारे में, देखिए प्रेम प्रसंग में सफलता, शादी ब्याह में सफलता, धन की वृद्धि, संतान को लाभ, शादी कराना, शादी हो गई बच्चा नहीं तो बच्चा, क्यों बृहस्पति पुत्र के कारक हैं, शुक्र पुत्री के कारक हैं, विवाह प्रेम के कारक हैं, तो दोनों गुरु 6 दिन तक मेष राशि में बैठ करके कुछ राशियों को बहुत लाभ देंगे, जैसे पहली राशि तो उसमें मेष है, मेष राशि को तो सब कुछ मिलेगा क्योंकि लग्न में बैठे हुए हैं और शुक्र की सप्तम दृष्टि पड़ रही है सामने, जहाँ पर के दाम्पत्य जीवन बड़ा अच्छा होगा, ये 5-6 दिन पति पत्नी के बीच में बहुत प्यार रहेगा और प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी, और नई शादी हुई है तो पुत्र संतान की प्राप्ति की, संतान की प्राप्ति हो सकती है या संतान कंसीव कर सकती है, तो ये टाइम जो है 25 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक का महान कृपा मेष राशि के लिए मिल रही है भाई, क्यों मेष राशि के लिए पहले भाव में ये बैठे हुए हैं शुक्र और बृहस्पति, और देखिए अच्छी राशि की बता रहा हूँ मैं केवल, मिथुन राशि के लिए बृहस्पति और शुक्र बैठे हुए हैं कहाँ पर 11वें भाव में लाभ भाव तो अच्छा है, यानी मिथुन राशि के लिए, और देखिए इनकी राशियाँ भी देख लें आप, बृहस्पति की जो दृष्टि है जो राशियाँ हैं, जैसे मेष राशि का तो 5, 7, 9 में दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की, शुक्र की 7 में पड़ रही है, तो बृहस्पति की तो 5, 7, 9 में पड़ रही है, और मिथुन राशि के लिए जो दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति की, यानी 1, 2, 3, 4, 5 तीसरे भाव में, 5वें भाव में और 7वें भाव में, तो बहुत अच्छा है, तीसरे भाव से भी आपको पराक्रम से लाभ मिलेगा, और देखिए देखिए मेष राशि में जैसे मैंने बताया कि सूर्य भी आए हुए हैं 13 अप्रैल से आए सूर्य, तो सूर्य आए 13 अप्रैल से और शुक्र आए 25 अप्रैल से, तो सूर्य जो मेष राशि में आ गए ना वो तो गजब का काम किया उन्होंने, वो अति उच्च के हो गए, तो खाली शुक्र और बृहस्पति नहीं है यहाँ पर बल्कि सूर्य का साथ भी है, तो सूर्य भी सप्तम दृष्टि से देखेंगे शुक्र के साथ साथ, हालांकि सूर्य तो राजा हैं ग्रहों के, तो जहाँ जहाँ शुक्र दिख रहे हैं वहाँ सूर्य भी दिख रहे हैं, तो संतान को लाभ, यानी मिथुन राशि के लिए देखिए मिथुन राशि के लिए पंचम मिथुन राशि के लिए देखिए बृहस्पति और शुक्र और राशि पंचम भाव में शुक्र की राशि है तुला, तो तुला राशि पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं, पंचम भाव में सारी मनोकामनाएँ पूर्ण होंगी, धन की प्राप्ति होगी, संतान को लाभ होगा, प्रेम प्रसंग में सफलता होगी, प्रेम विवाह होगा, संतान की उत्पत्ति होगी, तो मिथुन राशि के लिए बहुत गजब का संयोग बन रहा है भाई, और कर्क राशि के लिए ये संयोग बन गया 10वें भाव में, तो 10वें भाव में सूर्य बृहस्पति शुक्र और सूर्य तो 13 अप्रैल को आकर के यहाँ पर बड़े उच्च के हो गए, अति उच्च के क्यों मेष राशि में अति उच्च के होते हैं 13 अप्रैल से, तो भाई अब
कर्क राशि के लिए दसवें भाव में बैठ करके सूर्य सरकारी नौकरी दिलाएंगे, सरकारी नौकरी में तरक्की, मिलिट्री में, पुलिस में, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में, सब में लाभ, सरकारी ठेकों से लाभ। और देखिए चौथे भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो सुख साधनों की वृद्धि कराएंगे, शुक्र और सूर्य दोनों ही दिख रहे हैं। और बृहस्पति तो देखिए यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 धन भाव को देखेंगे, चौथे भाव को भी देखेंगे और छठे भाव को भी देखेंगे, तो रोजगार में, नौकरी में नहीं तरक्की, सुख साधनों की वृद्धि और धन दान धन देंगे। तो भाई कर्क राशि के लिए भी सूर्य का और शुक्र का सप्तम सुख भाव को देखना और बृहस्पति की जो 3 दृष्टियाँ हैं, तो ये बहुत ही अच्छा संयोग, लाभकारी संयोग मिल रहा है। और अगली राशि जो कि लाभ बहुत बढ़िया होगा वो तो खुद सूर्य की राशि है, सिंह राशि। सिंह राशि के लिए 13 अप्रैल से बृहस्पति के साथ शुक्र तो आएंगे 23 अप्रैल 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आएंगे, लेकिन सूर्य तो 13 को आ गए बृहस्पति के पास, तो सूर्य बृहस्पति 13 अप्रैल से लेकर के नवम भावम भाग्य भाव में बैठेंगे। तो राशि के स्वामी सूर्य अति उच्च के महान उच्चता पाते हुए मेष राशि में और भाग्य को वर्धन करेंगे, सूर्य बृहस्पति मिल के और बाद में शुक्र भी मिल करके, भाई बड़ा गजब का संयोग बन रहा है। सूर्य बृहस्पति और शुक्र 6 दिन तक 25 से 30 तक तीनों साथ रहेंगे, त्रिग्रही राजयोग। तो और यहाँ से देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 लग्न को, 7 तीसरे भाव को अपनी राशि शुक्र देखेंगे तुला राशि को, तो तीसरे भाव पर पराक्रम परिश्रम भाव से मेहनत से धन दिलाएंगे, यात्राओं से धन दिलाएंगे। और धनु राशि पर देखेंगे बृहस्पति नवी राशि पर, तो पंचम भाव में वो संतान को लाभ दिलाएंगे, संतान को विशेष तरक्की, संतान को विशेष सफलता, सिंह राशि का भी हो गया। और देखिए अब अगली राशि जो है जो ज़्यादा लाभ करेगी वो है देखिए तुला राशि। तुला राशि के लिए बृहस्पति सूर्य 13 अप्रैल से लेकर के और 25 अप्रैल तक बृहस्पति सूर्य, बाद में 25 से 30 तक सूर्य बृहस्पति और शुक्र तीनों ही तुला राशि को लगने पर देखेंगे, तो जातक के शरीर बड़ा हृष्ट पुष्ट, बीमारी रहित, सुंदर शरीर, धार्मिक शरीर, धार्मिक मतलब कार्यकलाप और दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा। और बृहस्पति की दृष्टि 11वें भाव पर, तो लाभ भाव पर यानी लाभ का धन मिलना, और बृहस्पति की दृष्टि धनु राशि पर 3रे भाव पर पराक्रम से यानी परिश्रम से धन मिलना, भाग दौड़ करेंगे मेहनत करेंगे तो धन मिलना। तो मैं समझता हूँ तुला राशि के लिए भी बहुत बढ़िया संयोग बन रहा है, सूर्य का 13 तारीख को मेष राशि में आना बृहस्पति के साथ, सूर्य और बृहस्पति दोनों ही भाई देवगुरु, और देखिए 25 को शुक्र आ रहा है, तो शुक्र सूर्य और बृहस्पति का तीनों का 25 से 30 तक एक साथ बैठना बड़ा गजब का संयोग बन रहा है भाई। और देखिए ये देखिए अगली राशि जो अच्छा करेगी वो देखिए धनु राशि। धनु राशि के लिए पंचम भाव में बैठ गए और शुक्र देखेंगे तुला राशि को 11वें भाव में, तो लाभ ही लाभ, धन ही धन देंगे शुक्र बृहस्पति शुक्र दोनों, प्रेम प्रसंगों में सफलता, शादी ब्याह सब, और संतान की उत्पत्ति, मनोकामनाएं पूरी, धन की प्राप्ति, संतान को अच्छी तरक्की। और सूर्य कमाल कर रहे हैं, सूर्य खुद बैठे हुए हैं, सूर्य शुक्र बृहस्पति 25 से 30 तक यहाँ अप्रैल में धनुराशि के लिए पंचम भाव में करके अपार धन संपत्ति, अपार सुख संपदा, संतान को तरक्की, सब कुछ दिला रहे हैं भाई। और धनुराशि के बाद जो अगली राशि है वो है मकर राशि, कि मकर राशि के 4थे भाव में और तुला राशि बैठी है 10वें भाव में, जहाँ शुक्र देखेंगे 25 से 30 तक सूर्य के साथ, सरकारी काम में, सरकारी नौकरी में लाभ, सरकार से लाभ, सरकारी नौकरी, सरकारी ठेकों से, तो सूर्य बृहस्पति मिलकर के 13 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, और सूर्य और शुक्र और बृहस्पति 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, भाई शुक्र भी आ गए तो धन धान्य से भरपूर कर देंगे, क्योंकि तुला राशि उनकी अपनी राशि है, धन के मालिक हैं, शुक्र धन दे रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया संयोग है मकर राशि के लिए।
और भाई अग्नि राशि जिसको मैं समझता हूँ वो ज़्यादा अच्छी होगी वो भाई मीन राशि। मीन राशि के लिए ये संयोग बन गया धन भाव में, खुद धन भाव के मालिक सूर्य शुक्र खुद बृहस्पति के साथ दोनों गुरु यहाँ बैठेंगे 25 से 30 तक, और सूर्य भी जो है गजब के उच्च के होकर मेष राशि में, कि मेष राशि दूसरे भाव में आ गई और दृष्टि पड़ेगी वहाँ से धन भाव से अष्टम पे, तो अष्टम से जो है अचानक धन की धन संपत्ति दिलाना, पैतृक संपत्ति दिलाना, अचानक रुका हुआ धन दिलाना। तो शुक्र बृहस्पति और सूर्य 25 से 30 तक तीनों एक साथ, और 13 से लेकर के 30 तक, 13 से लेकर 25 तक सूर्य और बृहस्पति साथ साथ मिलकर के गजब का भाई संयोग पड़ रहा है दोनों गुरु और राजा सब तीनों ही मेष राशि में बैठ करके, तो मीन राशि की भी वाह वाह। तो मित्रों ये संयोग बताया मैंने तीन ग्रहों का साथ साथ, दो ग्रहों का भी, कभी दो ग्रह भी है 25 से 30 तक और 13 से 30 तक तीनों के, 13 से 25 तक दो ग्रह और 25 से 30 तक फिर सूर्य और बुध और बृहस्पति और शुक्र तीन ग्रह, त्रिग्रही दुग्रही संयोग, धन धान से परिपूर्ण, सुख शांति, संतान को लाभ, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा। तो इस तरह से मैं समझता हूँ ये जो संयोग है 13 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का बहुत ज़बरदस्त। मेष राशि जो मैंने बताई राशि आपको, यानी उसी हिसाब से देखिएगा कौन कौन सी राशि बताई मैंने। देखिए मेष राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि, सिंह राशि और देखिए तुला राशि, और मैंने बताया धनु राशि और मकर राशि और मीन राशि। तो ये इन राशियों के लिए ये बहुत ही गजब का संयोग बन रहा है मित्रों। मित्रों अब मैं विराम लूँगा, देखिए आगे आऊँगा तो फिर और कुछ चर्चा करूँगा।